अबे तक मसूरी तक गाड़ी पहुंच पाई तो पर लौट दादी लोल कब मैंने लिया। हे गाइस वेलकम बैक टू मनोरी ब्लॉग्स। तो आज गाइस मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि हमने कैफे कैसे खोला, मतलब कितना टाइम लगा, कैसा क्या हुआ। भाई कैफे खोलने में अपने को कम से कम एक और डेढ़ महीने के समथिंग हो गया, सामान वामान इकट्ठा करने में और भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने में, कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई तो दुकान के बारे में भी अपने को एक प्लेस से ये था फाइंड किया, फिर उस चीज़ को हर चीज़ किया बनने की, मतलब और सभी लोगों ने सपोर्ट किया भाई, अपने दोस्त वगैरह ने भी और फैमिली का भी सपोर्ट रहा जैसे कि। तो गाइस चलो अब अपन बताते हैं भाई शुरू से कैफे कैसा था, मतलब जो सी दुकान अपन ने ली थी वो शुरू से कैसी दिखती थी और कैसी नहीं दिखती थी और अपन ने कैसा कैसा किया। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। अभी आप देख सकते हो ये अपनी दुकान है और अभी इसका सीमेंटिंग फर्शिंग हुआ गया है क्योंकि पहले पूरा कच्चा था तो समझ में भी नहीं आ रहा था सही तरीके से। तो गाइस आज हम हमारे यहाँ पर टीन लग रहा है, जो पुराना टीन था वो बहुत ही खद्दड़ हो चुका था, ख़राब हो चुका था। ये हमारे भैया अभी बैल करते हुए पूरा टीन सेट का ठेका इन्होंने दिया है पूरा, तो सही तरीके से कर रहे हैं हम। तो अपना टीन सेट बन के रेडी है, आप देख सकते हैं भाई कितना शानदार लग रहा है। अब लुक देखें आप, और अपना चौथरा जो फर्श था वो भी सही तरीके से बन चुका है और अभी पुट्टी का भी काम चल रहा है। नीचे आप जो देख रहे हो सीढ़न है। आज गाइस हम लोगों ने बाहर काउंटर का काम लगाया हुआ है, लाल पत्थर का काउंटर लगना है। तो आप देख सकते हो भैया अभी काम पे लगे हुए हैं, सब पूरा पेपराइस के ही भैया हैं और पेपराइस से ही सब रॉ मटेरियल अपन ने लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो भाई टाइम लग रहा है, तो अपना काउंटर देख सकते हो अपना काउंटर तो बन गया जा रहे हैं शॉप को थोड़ा टीन सेट भी, जैसे कि कारपेट वगैरह और फर्नीचर वगैरह अशोक नगर से ही लेंगे अपन, तो उसके लिए जा रहे हैं। बारिश का भी सीज़न है थोड़ा, तो अभी चलते हैं देखते हैं, और मौसम भी बहुत शानदार है। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो भाई अपन ने इतने सारे कारपेट देख रहे हैं, तो ये अपने को बिछाने के लिए चाहिए था, तो एक अपन ने सेलेक्ट किया जैसे कि ये वाला सेलेक्ट किया था। और ये अपने बहुत सारे बेल्स वगैरह बने हुए हैं, ये भैया वॉलपेपर इंदौर से लेके आया हुआ है, इंदौर गए हुए थे पापा एंड भैया तो वहीं से वॉलपेपर लेके आए हैं तो और भाई फर्नीचर वगैरह सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लग गया, दो तीन दिन तो फर्नीचर सेलेक्ट करने में लग गया कि कहाँ से क्या था क्या स्टूल्स वगैरह सभी चीज हैं। गाइस आज हम आए हैं आर्यन प्रेस वाले भैया के पास, जो जिनसे हम लोगों ने कहा था कि भाई अपना एक लोगो बना दें, तो उन्होंने अपना शानदार लोगो बनाया हुआ है देख सकते हो आप। आज अपने लक्ष्मी भाई पुट्टी का काम कर रहे हैं, ये भाई पिछले 15-20 दिन से काम पर लगे हुए हैं, जैसे कि अभी देख रहे हो आप लास्ट का फिनिशिंग और बचा हुआ है, बाहर का काम कर रहे हैं अभी। ये अपना दुकान अंदर से पूरा रेडी हो चुका है पुट्टी के साथ, अभी नशेनी वगैरह और मटेरियल वगैरह डला हुआ है नीचे। गाइस आप देख सकते हो हमारे भाई लोग अभी पूरा लगे हुए हैं वॉल पेपर लगाने में, मेहनत कर रहे हैं, रात के अभी 12:30 बज चुके हैं। सकते हो कि हमारा घोटा भाई शुरू से आज लगा हुआ है पूरा पोतने के लिए, जब से दुकान का चालू हुआ है भाई सबसे शुरू से घोटा लगा हुआ है मेरा भाई का, 5 लीटर है वो। कितने का पता, ध्यान नहीं मिल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो आज हमारा फर्नीचर और वॉलपेपर, फर्नीचर आ चुका है और वॉलपेपर लग चुके हैं, देख सकते हो भाई कितना अच्छी लग रही है दुकान अपनी, अब वैसे बहुत खराब लग रहा है। आप देख सकते हो कि कल उद्घाटन है और भाई लोग अभी बैठे हुए हैं पूरा मेहनत करवा के, पूरा काम करवा के लिए, देख सकते हो भाई अपनी लाइट वगैरह भी हो चुकी है और टीन सेट हो चुका है और कितना शानदार लग रहा है नज़ारा। अब भाई आज जो उद्घाटन है आज भक्तांबर किया हुआ है अपन ने, अभी भाई लोग सब मेहनत कर रहे हैं कि प्लेट्स बन रहे हैं और अंदर भक्तांबर हो रहा है, आप देख सकते हो बहुत भी सभी लोग आए हुए हैं, अपने कार्ड वगैरह भी बांटे थे देख सकते हैं आप। हमारे अंकल सर बैठे हुए, हमारा घोटा भाई वहाँ लगा हुआ है, ये हमारे सौरभ भाई जो बात बताते हुए देख रहे हैं आप, सब अंदर भक्तांबर चल रहा है अभी, हमारी मम्मी और फैमिली और सभी समाज वाले बैठे हुए हैं अभी, और सामान वगैरह भी अपना आ चुका है अभी, लिमिटेड सामान है।
अभी भाई लोग काम करवा दिए, बैठ शांति से बैठ रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं नुक्की की पैकिंग, क्योंकि कल उद्घाटन के टीका में दिए जाते हैं, तो उसके लिए देख सकते हैं आप भाई हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। सोबेद भाई क्या बना रहे हो आप? भाई चाय बन रही है अभी तो। चाय बन रही है? बोलू भाई चाय। ये मैं क्या पता क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ वो करने के बाद। दिया है ना सर? तो अब हमें ये जाके काम करने पड़ेगी इतनी हालत में भी। कोई नहीं गाइस, भाई लोगों के लिए चलता है, बस पैसे मिल रहे हैं अपने, क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बोलो बोलो भाई का बनाओ ताली। नहीं बना तू पैटी चला रहा है बनना। भाई साहब गुस्सा हो गए भैया हमारे, अभी हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं हे गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि भाई अपने कहां कहां से कैसा कैसा सामान लेके आए। अब मैं आपके लिए बताऊं कि भाई जो भी चीज़ अपन लेके आए वो अपने को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बस मार्केट में पता करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई कि कोई भी चीज़ सीक्रेट हो, यहाँ से नहीं आती वहाँ से नहीं आती, बस तो अपने को थोड़ा बहुत घूमना पड़ा और लोगों के बारे में लोगों से पूछना पड़ा कहाँ से क्या चीज़ लाते हैं। तो ऐसे ही अपने को धीरे धीरे सभी चीज़ मिल गई और भी अपन अब कंटिन्यू करते जा रहे हैं और धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और अभी मार्केट भी अच्छा चल रहा है। और भाई थैंक्स, पूरा सपोर्ट रहा अपने फैमिली एंड सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स का रहता है। फैमिली तो क्या है भाई, फैमिली तो अपने को सपोर्ट करती ही है, पर फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो दिल से और पूरी मेहनत लगा के सपोर्ट करते हैं। तो भाई उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे को, कि उन्होंने ही भाई पूरा काम करवाया और हर चीज़, जैसा कि आपने देखा हुआ है भाई के हर काम में आगे आगे हुए। तो गाइस चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।